सीकर जिले के नीमका थाना इलाके की आगवाड़ी फाटक के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र एवं बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और तीनों को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखा गया। कोतवाली थाना अधिकारी बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि नोएडा निवासी विश्वेश्वर सिंह बेटा विष्णु बेटी श्रुति नोएडा से सोमवार को सुबह 11 बजे खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए थे। खाटू श्याम जी के दर्शन कर आज नोएडा वापस लौट रहे थे, तभी नीमका थाना आगवाड़ी फाटक के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और तीनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। वहीं ट्रक एवं बाइक को जब्त कर कोतवाली थाने लाया गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दी। मृतक के परिजनों के आने के बाद तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं घटना को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मृतक विश्वेश्वर आजमगढ़ का रहने वाला था, जो कि दिल्ली नोएडा झुग्गी झोपड़ी में रहकर काम करता था और पूरी सब्जी का ठेला लगाता था। सवा तीन बजे के आसपास आगवाड़ी फाटक के पास में एक ट्रक पर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे, एक बच्चा था और एक जेंट्स, एक महिला और एक बच्चा थे, जो मौके पर ऑन स्पॉट खत्म हो गए। ट्रक मौके पर है, ट्रक को और मोटरसाइकिल थाने पर लिया है। मौके पर मैं भी गया था, श्रीमान एडिसन साहब सीओ साहब भी पधारे थे। मौके पर शांति है और घरवालों को सब मोर्चरी में रखवा के घरवालों को सूचना दे दी गई है। मौके पर शांति है।